हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं कहीं आया हुआ हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे आज मेरे साथ हमारे छोटू भाई मौजूद हैं, ठीक है। इनका नाम है, बोलो नाम क्या है। ऋषभ पांडे। ऋषभ पांडे नाम है इनका, ठीक है। ये हमारे भाई हैं छोटे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बेसिकली करने क्या वाले हैं, यहाँ पे आज मैं आपको दिखाऊंगा देसी जिम, जो कि ओपन जिम है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देसी जिम, जो कि जिसको लोग पहले करके हमेशा अपने आप को फिट रखा करते हैं, ठीक है। तो आज आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको वो देसी जिम देख करके। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास अभी भी वो जिम मौजूद हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा जिम है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चल तो अभी हम बढ़ रहे हैं अपने देसी जिम की तरफ। आगे चलो छोटू भाई, बताओ सबसे पहली मशीन कौन सी है। चारा काटने वाली मशीन। ये है चारा काटने वाली मशीन है। अब कैसे ये जिम की तरह कैसे काम करेगी बताओ। इससे आपको हाथ का जिम हो हाँ सकता है। क्योंकि देखना आराम से, एक मिनट अभी चलाओ मत, अभी खेल दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसको आप जानते ही होंगे, ये तो वही मशीन है जिससे हम जानवरों के लिए पहले के टाइम पे चारा काटा करते थे, ठीक है। अभी भी लोग काटा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इससे ये जिम कैसे होता है, क्योंकि जब आप इसको चलाते हैं ये सर्कल में घूमता है, पूरा का पूरा सर्कल में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो हाथ हैं उन पर काफ़ी अच्छा खासा, आपके फोरआर्म्स वगैरह पर काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है। तो ख़तरनाक भी है, क्योंकि किस वजह से इसके अंदर यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है। हाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें दूसरा नहीं है, इसमें दूसरा नहीं है, दूसरी वाली मशीन वहाँ अंदर रखी है, अंदर की तरफ है। इसमें अभी आपको दिखा देंगे अगर होगा तो ये आपकी पहली मशीन हो गई देसी जिम की। और आप यकीन मानेंगे, अगर आपने लगातार एक घंटा इसको चला लिया तब आपके हाथ की तो सच में बाट लग जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे से इसके अंदर चारा डलता है, आपको पता होगा, यहाँ से चारा डलता है और इसके बाद इसको इस्तेमाल करा जाता है। टाइट चलती है, यानी टाइट चलती है ना। हाँ, चारा जाने के बाद टाइट चलती है। नहीं ठीक है, तो ये तो आपकी पहली हो गई। अब आपको दिखाते हैं दूसरी वाली की बात हम कर रहे हैं। तो दूसरी वाली इसके अंदर है, अंदर चलते हैं। यहाँ सांप आप तो नहीं है छोटू भाई, देखो हटो, अभी कई दिन से चली नहीं है। तो ये है दूसरी मशीन, आप देख सकते हैं। ये है, घुमाओ, ये देखिए, ये दूसरी वाली। आपको लाइटनिंग का थोड़ा लग रहा होगा, बस बस काफ़ी है, ज़्यादा मत करो, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दूसरी वाली थी, यहाँ पे देख कट के गिरा है। हाँ ये आप देख सकते हैं किधर, आगे की तरफ गिरता है ना कट के। हाँ तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नीचे यहाँ कट के यहाँ गिरता है, ये जो आप भूसा देख रहे हैं। हाँ ये है, और ये चारा वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे चारा काटा जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। और एक्सरसाइज कैसे होती है, ये नहीं है, फिर कौन सा है। ये हरी घास कट के इस पे मिलती है, ये भूसा। हाँ भूसा है, मतलब काटते तो इसी में ही है ना। हाँ तो बस वही कट के इसी में गिरता है। और देखिए दोस्तों, जो मशीन बाहर लगी है उसको बोरी में भर के भी इधर लाया जाता है, तो वो भी एक एक्सरसाइज ही है। तो यानी ये पूरा सेक्शन आपका वेट ट्रेनिंग का ही हो गया, और वो भी कौन सी, देसी वेट ट्रेनिंग आप कह सकते हैं प्रॉपर। वहाँ से अगर आप काटो तो उस भूसे को आप अंदर ला करके इधर रख दो। वैसे जैसे धान कटते हैं गेहूं हाँ, तो उससे बनता है, जो नीचे के बनते हैं उससे भी बनता है। अच्छा, तो वहाँ कहीं गिरा दीजिए फिर वहाँ से उठा के लाना पड़ता है। चलो ये भी बढ़िया है, ठीक है। और दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक घर था पहले, आप देख सकते हैं, पहले इसी में रहा करते थे यहाँ के जो लोग थे, मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नाना नानी वगैरह इसी में ही रहा करते थे। लेकिन अब वो घर गिर गया है, तो पुराना हो गया, तो अब यहाँ पे है, यहाँ पे सीमेंट वाला घर बन गया, यहाँ पे पुराना वाला घर था। दिखाओ चलो, तो ये एक पुराना घर था, मिट्टी वाला देख सकते हैं, लाइन से बना हुआ मिट्टी वाले घर आप देख सकते हैं। सांप रहता है, ठीक है, बड़ा हुआ देख के आना, देख के अभी बंद है, बंद है याला, बंद है घर आप देख सकते हैं। इसके अंदर याले अभी वही मिट्टी वाले घर है, मत दिखाओ, ठीक है छोड़ो। यहाँ देख सकते हैं पहले ऐसे ही था, पूरा का पूरा तूफान की वजह से घर गिर गया, देख सकते हैं मिट्टी का घर था, इसमें रहा करते थे लोग, आपको भी पता होगा, मुझे कोई बताने वाली बात नहीं है। और इधर पीछे तालाब हो गया, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिलहाल ये कोई एक्सरसाइज वाली जगह नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं, करो आराम से, हाथ पैर बचाना। चलो ठीक है, तो अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, अगली मशीन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो रुको, अब देखो दोस्तों, अगली एक्सरसाइज हमारी ये आ जाती है, ये है आपका हैंड पंप, जो कि कह सकते हैं ये भी एक हाथों की एक्सरसाइज है। जितनी बार आप हैंड पंप चलाओगे उतनी बार आपकी हाथों की एक्सरसाइज होगी। चला के दिखा दो छोटू भाई, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि क्या है, लेकिन फिर भी चला के दिखाते हैं, चलाओ। देखिए दोस्तों, जितनी बार भी आपको पानी पीना है, फ़िल्टर जैसे शहरों में होता है वो तो कह सकते हैं है ही, लेकिन यहाँ की तुलना में आप देख सकते हैं आपके हर चीज़ में एक्सरसाइज ही है। नहीं, हर चीज़ में आपके एक्सरसाइज है, आप ये देख सकते हैं इसमें भी आपकी एक्सरसाइज है, और ये ओवरऑल आपके शरीर को फिट रखेगी, ठीक है। जो पर्सन एक्सरसाइज ना भी करता, वो अगर केवल गाँव की यही चीज़ करता है, वो हमेशा अपने आप को फिट रख सकता है, तभी तो यहाँ के लोग इतना लंबा कह सकते हैं आप सर्वाइव करते हैं।
ये हाँ, अच्छा लगा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपको और दिखाते हैं। वो देखो पीछे से भूसा ढो रही है, वही मुझे क्या पीछे देखो उधर उधर। चलो घर पर दिखाऊं, अभी बन रही है, बन रही है, तुम भी आ गए बीच में, सीन कट कर देना। चलो सीन कट कर देना, चलो सुम्भी को छोटू भाई भागो, सुम्भी भाग लो सुम्भी भाई। आप देखिए दोस्तों, हम अपने अगले एरिया में आ गए जो कि हमारा कार्डियो सेक्शन, जिसको आप जानते होंगे कार्डियो, जिससे हम अपना फैट लॉस करते हैं। तो वो है हमारा ये, आप देख सकते हैं, आपको बगल में दिख रहा होगा सारा का सारा ये कार्डियो सेक्शन है। ये एक और आ गए हमारे आदित्य, देख सकते हैं यहाँ पे एक और छोटे भाई, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये है आपका पूरा का पूरा कार्डियो सेक्शन। बताओ छोटू भाई, इनको पता नहीं, इनको इन्हें बता रखा है, ये आपको बताते रहेंगे। बताओ छोटू भाई, यहाँ पे आप अपना जो भी जितनी भी खेती बाड़ी अगर आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो बन रही, वीडियो बन रही, रुक जाओ। हाँ, तो जितना भी आप इसमें करते हैं खेती बाड़ी वगैरह, जितना भी आप करते हैं पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं यहाँ पे आप जितना भी, तो उतना आपके लिए अच्छा रहता है कह सकते हैं। मतलब जो भी पहले के लोग थे सब वही खेती वेती करके अपने आप को फिट रखा करते थे। आप देख सकते हैं अभी जैसे यहाँ पे हो रखा है ना, अभी हो रखा है, अभी नहीं हुआ है, अभी जा सकते हैं। कितने टाइम में होता होगा? एक महीना दो महीना बाद जून में होगी। तो यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं जिस हिसाब से जो भी है, जितना भी आप कह सकते हैं, जो लोग भाग दौड़ बाहर मशीन पे है वो सब दौड़ते हैं, तो वो सब इसी चीज़ पे करके और उसके बदले कुछ फ़ायदा उनको मिलता है आप कह सकते हैं। जैसे जो भी करते हैं सब इसके बदले उनको अपना उगा करके खाना पीना खाया जाता है। ऐसा नहीं है जो लोग भागते दौड़ते हैं बेकार है, उसमें भी अलग जगह, लेकिन जब कुछ आप करते हैं आप अपना काम करते करते आप अपनी जो शरीर को फिट रख सकते हैं तो उसकी बात ही अलग है। अब सेपरेटली यहाँ पे लोगों को जिम के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी सबके पास अपना अपना एरिया, आप देख सकते हैं इतना बड़ा एरिया है सबका, अपने अपने पास खेत है, सब कोई अपने आप को करके फिट रख सकता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी आपको वेट ट्रेनिंग सेक्शन मैंने दिखाई दिया, और बाकी आपको कुछ व्यू अगर मैं दिखाना चाहूँ अभी दिखा देता हूँ आपको। हमारे खेत के सामने तुम्हारी रोड है, ये रोड तुम्हारी है, बताओ। रोड नहीं है तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हमारे छोटू भाई देखे क्या कर रहे हैं, यहाँ तार लगा है इसके बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ये घुस गए। क्या करोगे भाई, क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस देख सकते हो दोस्तों कितनी मिट्टी है अभी यहाँ पे। होना है ना, अभी होगा ना, यहाँ पे काम होगा ना, अभी इसमें अभी काम होगा, देख सकते हैं दोस्तों। और बाकी हाँ, उस वाले में देखे वो लगा हुआ है ना ग्रीन वाला, तो ये क्या है, धान ना, क्या है, गेहूँ। हाँ गेहूँ है, तो गेहूँ को अभी वही आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, फिर भी बताया था, वो उगाया उसको, अब यहाँ पूरा कीचड़ कीचड़ करा जाएगा, फिर वो जो गेहूँ उसमें लगा है उसको इसमें लगाया जाएगा वापस, पूरा पहले कीचड़ कर दिया जाएगा, इसको पूरा दलदल बना दिया जाएगा, खूब पानी भरा जाएगा ना इसमें, अगले ब्लॉग में हाँ दिखा दिया जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो आपको दिखा दिया जाएगा। बाकी इसको यहीं ख़त्म करते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं सनसेट आपको नज़र आ रहा होगा, कितना सुंदर है वो दिख रहा है आपको। तो बाकी यही है इस वीडियो में, यही आपको ट्रेनिंग में दिखाना चाह रहा था, लोग किस तरह से अपने आप को फिट रखते थे पहले के टाइम में, अभी भी लोग रखते हैं अभी, क्योंकि खेत है कई लोगों के पास, खुद से वो लोग करते हैं, और कई लोग ट्रैक्टर बुला के करते हैं, कई लोग मशीन बुला के करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो लोग जैसे करना चाहे, क्योंकि यहाँ कई लोग मॉडर्न बन रहे हैं तो उस हिसाब से। और बाकी यही आपका व्यू, बाकी दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अभी अगर मैं यहाँ रहा तो मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी व्लॉग वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। बाय बाय कर दो भाई।